सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा 785 रुपये प्रति 100 घनफुट की दर से ऑनलाइन मिलेगा बालू। जल्दी ही आपको बालू के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कराने से आपके घर पर बालू की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए आपको 785 रुपये प्रति घनफुट की दर से परिवहन लागत के साथ पैसा जमा कराना होगा। परिवहन लागत प्रति किलोमीटर जल्दी ही तय कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बजट सत्र के समापन के मौके पर इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी से पहले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर आश्वासन दिया कि विधायक निधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक निधि के संदर्भ में विधायकों की जिम्मेदारी बढ़ाने की बात कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना का लॉकडाउन अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उन्होंने धार्मिक जुलूसों पर भी पाबंदी बरकरार रहने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े। उन्होंने 2 साल के अंदर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 35% खाली पदों को भरने की भी जल्द राज्य सरकार में 35% खाली पदों को भरने की भी राज्य सरकार तैयार कर रही है। निजी कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण लटका। झारखंड में स्थित प्राइवेट कंपनियों की नौकरी में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने का मामला लटक गया है। मंगलवार को बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया। कई त्रुटियों के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसमें संशोधन की मांग की। आखिरकार राज्य सरकार इसे पास नहीं करा सकी। मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी दिन था। इसके साथ विधानसभा स्थगित कर दी गई। विधानसभा रविन्द्रनाथ महतो ने इसे विचार के लिए प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया। अगले प्रवर समिति विधेयक में दिखाई गई त्रुटियों पर विचार कर इसे संशोधन के साथ विधानसभा के पलट पर रखने की अनुशंसा करेगी। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पेश किए। श्रम मंत्री के विधेयक पेश करते ही विधायक प्रदीप यादव ने विधेयक में संशोधन कर सामाजिक आरक्षण का पहलू रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी का मालिक केवल अपने ही जाति के लोगों को नियुक्ति पर स्थानीय लोगों को आरक्षण दिखा दे तो प्रस्तुत विधेयक की भावनाओं को ठोस पहुंचेगा। इसलिए नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण में भी राज्य सरकार का आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए। उन्होंने विधेयक के खंड 5 को भी विलोपित करने की मांग की। भाजपा चंद्रवंशी राम चंद्रवंशी और अमर बाबरी के प्रावधान में इस प्रावधान में छूट का अधिकार पदाधिकारियों को देने पर आपत्ति की। सीएम प्रतिनिधि के रिश्तेदार की हत्या से हंडकंप। जमीन खोदकर पुलिस ने निकाली लाश। झारखंड के साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। इस सनसनीखेज मामले के सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक शख्स की पहचान धनंजय मिश्रा के तौर पर भी बताया जा रहा है कि वह 3 मार्च से लापता थे। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने धनंजय मिश्रा के शव को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। वहीं उसके लापता होने की खबर सामने आने के बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जांच में पुलिस को कुछ जानकारी मिली। इसके बाद जांच टीम ने शनिवार की देर रात जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया और अपने कब्जे में ले लिया। झारखंड बीएड कॉलेज में सत्र 2020 बैच की कक्षा शुरू। झारखंड बीएड कॉलेज झुमरी तिलैया की प्रशिक्षु का सत्र
2020-22 का क्लास 22 मार्च से शुरू हो गया। नए सत्र के क्लास का शुभारंभ विनोबा भावे के परीक्षा नियंत्रक प्रो वीके गुप्ता द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया और बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। कॉलेज परिसर में सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि कोयलांचल विश्वविद्यालय की बीएड के डीन प्रो उपेंद्र कुमार ने कहा कि बीएड प्रशिक्षण समाज की नवीन चुनौतियों से भरा है। आज के शिक्षक को ज्ञान के साथ साथ नवीन तकनीकियों की भी जानकारी रखनी होगी, तभी वे अपने वैश्विक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेंगे। विशिष्ट अतिथि जे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संध्या प्रेम ने शिक्षक के दार्शनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। संस्था सचिव डॉक्टर डीएन मिश्रा ने छात्रों को स्वागत करते हुए प्रबंधन की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देने वाला नायक होता और उनके ऊपर राष्ट्र का भविष्य निर्भर है। धन्यवाद ज्ञापन प्रचार वीएन पांडे ने किया। संचालन डॉक्टर एनएन पांडे और संस्था का परिचय डॉक्टर प्रियंका पांडे ने दिया। हजारीबाग में बड़ा हादसा, तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत। हजारीबाग में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। गदोखर गांव स्थित तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 12 से 13 साल के बीच है। हादसे की जानकारी होती ही हड़कंप मच गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। मरने वालों में 3 लड़कियां और 1 लड़का है। शहर से सटे कटकमसाणी प्रखंड क्षेत्र के गदोखर गांव में स्थित बली बांध तालाब पर काजल कुमारी, गोलू कुमार, निविता कुमारी, दुर्गा कुमारी और रिया कुमारी नहाने गए थे। इसी दौरान एक को बचाने के चक्कर में 5 डूबते चले गए। आसपास मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो गांव वाले जुट गए। तत्काल कई लोग तालाब में कूदे और बच्चों को बाहर निकाला गया। तत्काल सभी को पास के अस्पताल लाया गया जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। अलग जिला बनाने के बाद हजारीबाग एनएचएम ने रामगढ़ को दिए थे 3 करोड़। 15 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिला हिसाब। हजारीबाग से कटकर अलग हुए रामगढ़ जिला को तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हजारीबाग एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 3 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया था। उपलब्ध कराए गए राशि का ना ही खर्च का और ना ही बचत का ब्यौरा हजारीबाग एनएचएम को रामगढ़ जिला पर स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराया। अंत में 15 साल के इंतजार के बाद हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग ने इस राशि का डिटेल खंगालना शुरू किया है और सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल रामगढ़ ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 3 करोड़ की उपयोगिता एवं अवशेष का डिटेल मांगने की तैयारी में है। ब्यूरो नहीं मिलने के कारण दे 3 करोड़ राशि का उपयोग कितना हुआ, कितनी राशि बची हुई, इसका अंकेक्षण प्रतिवेदन अभी तक लंबित है। या जानकारियां मिली है कि इस राशि में संबंधित फाइल देन ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। हजारीबाग एनआरएचएम में जब दावी फाइलों का खंगालना शुरू किया गया तो यह मामला सामने आया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए